signs and symptoms of herniated disc. इसके जो साइन सिम्टम है दैट डिपेंड्स ऑन डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन मीन्स किस कहां पे प्रेजेंट है पोजिशन ऑफ हेरिनेटेड डिसीज एंड द साइज. एक तो साइज किसका रप्चर डिस्क का और नेक्स्ट वन पोजिशन ऑफ द हेरिनेटेड डिसीज पे डिपेंड है. अगर ये इफ इट इज नॉट प्रेसिंग अगर ये हेरिनेटेड डिस्क जो है अगर ये प्रेस नहीं करती है कंप्रेस नहीं करती है किसको ऑनि नर्व को जो स्पाइनल नर्व है उसको कंप्रेशन नहीं पड़ता है इसकी वजह से. इसमें जो पेशेंट है जो पेशेंट इसका हेरिनेटेड डिस्क है लेकिन वो हेरिनेटेड डिस्क जो है वो कंप्रेस नहीं करती है किसको स्पाइनल नर्व को तो उसमें जो सिम्टम है पेशेंट मे एक्सपीरियंस लो बैक पेशेंट को लो बैक एक होता है और या तो पेशेंट को नो पेन पेन भी नहीं होती है एट ऑल. एक तो लो बैक पेन हो सकता है लेकिन कभी कभार इसको पेन ही नहीं होती है जब नर्व कंप्रेस नहीं हो जाती है. अब अगर नर्व कंप्रेस हो गई इफ इट इज कंप्रेसिंग इफ इट इज प्रेसिंग जब ये प्रेस हो रही है इस सेरिनेटेड डिस्क की वजह से ऑन ए नर्व तो देयर मे बी पेन तो वहां पे क्या होती है पेन देयर मे बी पेन वहां पे पेन होती है और नमनेस होती है. क्यों क्योंकि अब नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है नर्व इम्पल्सेस नहीं प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से पेन होती है नमनेस होती है और वीकनेस हो जाती है इन दैट एरिया जहां पे नर्व कंप्रेस कर रही है बॉडी पार्ट. उसके बाद टिपिकली हेरिनेटेड टिपिकली जो हेरिनेटेड डिस्क होती है इस प्रेसिडेड बाय एपिसोड ऑफ लो बैक इसमें एपिसोड हो जाते हैं लो बैक पेन की. ये कंटिन्यूअसली इसमें लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेड एपिसोड ऑफ पेन लेकिन लो ग्रेड पेन लो बैक पेन होती है इसमें या तो एपिसोडिक वाइज होती है इसमें लो बैक पेन या तो इसमें इसकी हिस्ट्री कंटिन्यूअसली इंटरमीडिएट एपिसोडिक ऑफ लो बैक पेन होती है पर्सन पेशेंट को. नेक्स्ट वन जो है प्रेसिंग वन और सेवरल नर्व्स अगर इसमें प्रेस हो जाती है या तो एक नर्व इसमें प्रेस हो जाती है या इसमें सेवरल नर्व्स जब कंप्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है दैट इनहिबिट उसकी वजह से दैट लीड्स टू अगर इसमें शार्टिक नर्व जो है अगर शार्टिक नर्व कंप्रेस हो जाती है ड्यू टू द फ्रेगमेंटेड सेगमेंट तो अगर उसकी वजह से शार्टिक नर्व कंप्रेस हो जाएगी और दैट मे काज पेन तो उसकी वजह से क्या हो जाता है दैट काज पेन. अब उस शार्टिक नर्व की वजह से पेन होती है और बर्निंग सेंसेशन बर्निंग टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन और टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस हो जाती है. ये नमनेस जो है दैट रेडिएट्स ये रेडिएट हो जाती है दैट रेडिएट्स फ्रॉम द बटक्स. अगर लोअर एरिया में शॉर्टिंग नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसकी वजह से पेन हो जाती है बर्निंग हो जाती है टिंगलिंग सेंसेशन हो जाती है नमनेस हो जाती है और ये नमनेस जो है ये रेडिएट हो जाती है फ्रॉम द बटक्स इनटू द लेग एंड समटाइम्स इनटू द फुट. अब ये तो लेग्स को भी इन्वॉल्व करती है और समटाइम्स में
फुट में भी नमनेस हो जाती है। और यूजुअली वन साइड या तो ये राइट साइड इसमें इन्वॉल्व हो जाता है या तो इसमें लेफ्ट साइड इन्वॉल्व हो जाता है, इज इफेक्टिव। और ये जो पेन है जो इसमें शार्टिक नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, वो पेन जो है दिस इज ऑफन डिस्क्राइबड शार्प पेन। ये शार्प पेन होती है और ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होती है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होती है। और इट मे बिकम मोर सीवियर, ये तब मोर सीवियर हो जाती है, तब मोर वर्सन हो जाती है जब एक पर्सन विद स्टैंडिंग, जब वो खड़ा हो जाता है या वो कंटिन्यूअसली स्टैंडिंग पोजिशन में ही रहता है या वॉकिंग वॉकिंग कंटिन्यूअसली चलता है या स्टिंग पोजिशन में, तो उस टाइम इसको पर्सन को फील होती है सीवियर पेन। दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हेरनेशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको मोस्ट कॉमन जो डायग्नोस हम कर सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट जो इसके लिए है, टेस्ट जो इसके लिए दैट इज एक तो MRI एंड इसमें प्लेन एक्सरे हम कराते हैं। इसमें एक्सरेज हम लेते हैं, जो एक्सरेज है ये एक रेडिएशन प्रोसीजर है जिसमें हमें पिक्चर मिलती है, पिक्चर ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी लेते हैं, पिक्चर एक फिल्म लेते हैं बॉडी पार्ट की। और दैट इसमें हमें क्या मिलता है, इसे हमें शो हो जाता है, इट शो स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा, इसमें हम स्ट्रक्चर देते हैं किसका, वर्टिब्रा के हमें स्ट्रक्चर इसमें मिलता है। एंड इसमें हमें आउटलाइन ऑफ द जॉइंट मिलता है, आउटलाइन ऑफ जॉइंट। और एक्सरे जो है, एक्सरे जब हम स्पाइन एक्सरे लेते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें सर्च हो जाता है अदर पोटेंशियल काज ऑफ द पेन, जो अदर काजेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिस्क नहीं है या फ्रैक्चर की वजह से इसको पेन होती है, वो हमें किससे पता चलता है, बाय एक्सरे। उसके बाद नेक्स्ट वन इसमें हम MRI करते हैं। MRI से हमें क्या, MRI से हमें 3D इमेजेस मिलती है, 3D इमेजेस से हमें बॉडी स्ट्रक्चर की हमें 3D इमेजेस मिलती है। और इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें क्या दिखाता है, इससे हमें मिलता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की पिक्चर हम इसमें देखते हैं, नर्व रूट की पिक्चर हम इसमें देखते हैं, एंड सराउंडिंग एरियाज एज वेल एज एनलार्जमेंट एंड डिजनरेशन ऑफ ट्यूमर्स। एक तो जो उसकी सराउंडिंग एरिया है वो भी हमें इमेज हमें मिलती है, और एज वेल एज द एनलार्जमेंट एंड डिजनरेशन ट्यूमर्स, अगर ट्यूमर्स वगैरह डिजनरेट ट्यूमर्स या डिजनरेशन इसमें हो गई है या ट्यूमर्स में प्रेजेंट है, वो भी हमें MRI से ही पता चलता है। थर्ड वन इज दैट इज सिटी स्कैन, इसमें हम सिटी स्कैन कराते हैं, सिटी स्कैन से हमें शेप एंड साइज मिलता है किसका, स्पाइनल कैनाल का, इसमें शेप एंड साइज देखती है स्पाइनल कैनाल का, और इट्स कंटेंट्स एंड द स्ट्रक्चर अराउंड, जो इसकी स्पाइनल कंटेंट्स है वो भी हमें सिटी स्कैन से पता चलते हैं जो इसकी इर्द गिर्द प्रेजेंट है। फोर्थ वन इसमें हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइलोग्राम। माइलोग्राम जो है ये एक एक्सरे हम लेते हैं स्पाइनल कैनाल का। कैसे हम एक्सरे लेते हैं, इसमें हम एक डाई जो है, डाई कंट्रास्ट मटीरियल जो है वो इंजेक्ट करते हैं, वो इंजेक्ट करने के बाद ये हम किसमें इंजेक्ट करते हैं, इनटू द स्पाइनल कैनाल या स्पाइनल कॉर्ड में हम इसको, स्पाइनल कैनाल में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। और दिस टेस्ट जो है इसकी वजह से हमें, दिस टेस्ट टू हेल्प आइडेंटिफाई नर्व कंप्रेशन, इसी से हमें पता चलता है कि इसमें नर्व कंप्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ, क्या यह फ्रेगमेंटेड डिस्क की वजह से नर्व कंप्रेस हुई है कि नहीं हुई है, वो हमें आइडेंटिफाई हो जाती है बाय द माइलोग्राम। इससे हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता है माइलोग्राम से, या इससे हमें मिलता है फ्रैक्चर की वजह से भी नर्व कंप्रेशन तो नहीं हुआ है। और दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द बैक पेन, ये भी हम किस लिए करते हैं, बैक पेन के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इसमें हम करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राम। फर्स्ट वन इज माइलोग्राम एंड नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमायोग्राम। इलेक्ट्रोमायोग्राम हम क्या देखते हैं, मसल एक्टिविटी, इसमें हम मसल एक्टिविटी चेक करते हैं। और लास्ट वन इसमें हम करते हैं बोन स्कैनिंग, इसमें हम बोन स्कैन करते हैं।
इट कैन इमेज ये भी इमेजिंग टेस्ट है दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द बोन प्रॉब्लम्स. इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाती है बोन प्रॉब्लम्स. दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द हेरिडिटरी डिसीज़.